वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड और मैं अभी ऐसे बोल भी नहीं पा रही। हैप्पी नवरात्रि, दिस इज डे नंबर वन ऑफ नवरात्रि एंड एज यू गाइज नो, और अगर नहीं भी पता तो मैं बता रही हूँ कि आई एम गोइंग टू व्लॉग एवरी डे फॉर लाइक 7-8 डेज ऑफ नवरात्रि ड्यूरिंग नवरात्रि। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। आई एम वेरी वेरी नर्वस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने ऐसे बैक टू बैक हर रोज व्लॉग बना के रात जैसे पूरा दिन शूट किया, रात को अपलोड किया, ये नहीं किया है कभी भी। एंड काफी हेक्टिक होने वाला है। मोस्टली मुझे ये लगता है कि मैं दिखाऊंगी क्या, बट यू नो आप लोगों को इतना मतलब हुआ ये था कि मैंने शॉर्ट स्टोरी टाइम हुआ ये था मैंने रात को जोश जोश में ना 1 बजे के अराउंड पोस्ट डाल दिया कि अच्छा मैं ना ऐसे सोच रही हूँ कि कुछ करते हैं तो करूँ क्या, रोज ऐसे व्लॉग डालूंगी। एंड 99.9% लोगों ने बोला है कि हाँ डालो। एंड आई वॉज लाइक अरे रात को तो जोश में डाल दिया, अभी फिर जब सुबह जैसे सबके कॉमेंट्स पढ़े ना मुझे था अब यार अच्छा ठीक है अब करना पड़ेगा। तो हाँ मैं मतलब बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, बट देखी जाएगी जैसे भी जाएगा। अगर आप लोग बोर हो गए तो मुझे कॉमेंट्स में बता देना, शिवानी अब बोर हो रहे हैं मत डाल। सो गाइज मैं नहाकर आ गई हूँ, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा मेरे बाल देख के गीले हैं बाल, अभी हेयर वॉश किया है और अभी तकरीबन 10 बजे है सुबह के, तो सुबह 10 बजे मैं नहा चुकी हूँ। वाओ मतलब देख रहे हो आप, वाह 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 यार सीटी आई जा रही है। सुनते ही नहीं है यार मम्मी। तो उधर भी रूम बंद था ये भी बंद है ना, तो ज्यादा चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। ओके गाइस, सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, स्किन केयर मतलब मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया था नहाने के बाद, अब मैं थोड़ा सा सीरम और थोड़ा सा लाइनर वगैरह, नॉट लाइनर बट काजल वगैरह लगा लूंगी क्योंकि आज मैंने सूट डाला है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस नायका लिप बाम, दिस इज इन द शेड ब्लूबेरी। ओके मैंने बहुत टाइम पहले मंगवाया था और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अभी भी इतना सारा बचा हुआ है, मैं लगाती भी बहुत कम हूँ वैसे। सो या अभी ये काजल लगा लूंगी, ये भी नायका का ही है। ओके लग गया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये लगाऊं या ना लगाऊं, हल्का सा लगा लेती हूँ, चलो लैक्मे 925 हल्की सी मैं ये लगा लूंगी, ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। यू कैन सी ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। ओके गाइज नाउ आई एम ऑल रेडी, अभी बस कॉम कर लूंगी हल्की सी एंड देन आई एम गोइंग टू गो एंड मेक माई ब्रेकफास्ट। बहुत मन कर रहा है कुट्टू की वो हो चिल्ला खाने का। ओ बाय द वे मैंने सुबह उठ के लेमन वाटर भी पिया था, तो हाँ तो अब हम चलेंगे एंड हम हमारा ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके गाइज फॉर ब्रेकफास्ट आई एम मेकिंग कुट्टू चीला एंड ये गया मेरा कुट्टू का आटा, इसमें आई विल एड सेंधा नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा बॉइल्ड आलू एंड 1 टेबल स्पून दही। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी ताकि थोड़ा चीला वाला बैटर बन जाए। ओके गाइज हेयर इज माई ब्रेकफास्ट और अब हम खाने वाले हैं मेरा कुट्टू चीला, लेट्स टेस्ट इट। क्योंकि इससे पहले तो मैं कुट्टू की पूड़ी या फिर कुट्टू की रोटी बनती थी वो तो फुल ऑयल में बनाते थे हम पहले, मैं नानी उस टू मेक बहुत यम बनाती थी, बट अभी चीला खाना मेरा पहली बार है कुट्टू का। नॉट बैड, नमक थोड़ा कम रह गया। जैसे कुट्टू की रोटी बनती है ना एग्जैक्ट वैसा ही टेस्ट है, बट इसमें तेल बहुत कम है, उसमें तो हम बहुत तेल लगा के ऐसे वो फ्राई वगैरह करते थे। आप लोग कौन सा आटा यूज करते हो घर पे मतलब नवरात्रि के टाइम पे, गुड्डू का आटा या सावक का होता है ना एक आटा, सावक का आटा, एक व्हाइट वाला होता है एक ब्लैक वाला होता है, तो ये हम तो ये वाला यूज करते हैं, आप कौन सा यूज करते हो कॉमेंट्स में बता दो मुझे। यार नवरात्रि का खाना इतना यम होता है ना, साबुदाना खिचड़ी, कुट्टू का चीला और ये रोटी, पनीर, आलू, मतलब देखा जाए तो काफी यम होता है। हाँ वैरायटी कम होती है ऑब्वियसली क्योंकि व्रत है ना, ऐसे व्रत में ऐसे आपको थोड़ा ना कि बहुत ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी, बट हाँ फिर भी जितना भी होता है बहुत यम होता है। चलो जी मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया, अब आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी, मुझे लग रहा है अब मैं जाके लेटने वाली हूँ क्योंकि इतनी सुबह सुबह में मैंने इतना कुछ कर लिया, नहा ली, खाना बना लिया, पापा के लिए भी अलग लंच बनाया था, आलू मटर की सब्जी बनाई थी आज, और पता है पता क्या हुआ, मैंने आलू मटर बनाए थे एंड गलती से मैं पता है मेरी आदत है जैसे मैं मसाला डाल देती हूँ ना जब, तो मैं ऐसे थोड़ा सा
चख लेती हूँ कि नमक वगैरह कितना है। भाई मैं खाते खाते रह गई, मतलब एकदम मैं करने ही लगी थी ऐसे, मतलब टेस्ट और एकदम मेरे को याद आया यार सब व्रत है मैं नहीं करना। मेरे को इस बात का बहुत डर लगता है फास्ट के टाइम पे कि मैं कुछ खा ना लूं क्योंकि फिर व्रत टूट ना जाए, मतलब ये रहता है। बच गई सुबह तो मैं आलू मटर ही खा रही होती फिर बैठ के। ओके गाइस, अब मैं खा लेती हूँ, थोड़ा सा बचा है, एक चिल्ला बचा है वो खत्म कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। या तो कुछ खाने का बनाऊंगी तो वो दिखा दूंगी, नहीं तो फिर कुछ करूंगी तो वो दिखा दूंगी, जो भी होगा थोड़ी देर में मिलती हूँ। इट इज करेंटली 5 PM, 4:55 PM टू बी एग्जैक्ट, एंड आफ्टर हैविंग माई चिल्ला आई जस्ट स्लेप्ट, मतलब सोई नहीं थी, थोड़ी देर लेटी, फिर यूट्यूब देखा और बिग बॉस देखा थोड़ी देर, एंड देन आई एक्चुअली वॉज प्लानिंग माई नवम्बर वीडियोज, तो उसमें ही टाइम चला गया। एंड एज सच मैंने कुछ खाया नहीं है, एंड अभी मैं सोचूं मैं एक बनाना खा लूंगी, उसके बाद आई विल हैव अर्ली डिनर टूडे, 7 बजे तक आई विल ट्राई टू हैव माई डिनर, और डिनर में हम कुछ बनाने वाले हैं पनीर की सब्जी। सो या स्टे ट्यून्ड, मैं अभी जब डिनर बनाऊंगी तो आई विल शेयर दैट रेसिपी विद यू गाइज। ओके गाइज, आई एम ऑल रेडी इन माई एप्रन। चलो अभी 6:30 हो गई है, फटाफट डिनर बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। ओके ओके गाइज, तो सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया है, इसमें जाएगी 2 इलायची, फिर इसमें हम डालेंगे टमाटो, ये मैं 2 मीडियम टमाटर ले रही हूँ, एंड इसमें इतना मैं जिंजर डालूंगी, इसमें जाएगा सेंधा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, दैट्स इट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एंड अब इसको मैं पकने दूंगी थोड़ी देर जब तक टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाते। ओके जी, सारा जो मसाला मैंने वो टमाटर वगैरह जो 2-3 मिनट उसको बॉईल करके फिर मैंने ये पीस दिया है, और अब हम इसको वापस से पैन में डालेंगे। अगर आप चाहो तो आप इसे छान के भी डाल सकते हो, बट इतनी मेहनत मैं करती नहीं अपने लिए तो मैं ऐसे डाल रही हूँ। ओके गाइज, इसमें मैंने पनीर भी डाल दिए हैं, एंड हमारी पनीर की सब्जी रेडी है, इसको मैं 2 मिनट पकने दूंगी पनीर के साथ, एंड आवर पनीर सब्जी इज रेडी। ओके गाइस, सो हेयर इज माय डिनर, एंड बहुत ही ज्यादा स्वाद लग रहा है पनीर की सब्जी, एंड पनीर इज माय फेवरेट। सो अभी मैंने क्या किया ना, मैंने जो सुबह चिल्ला बनाया था जैसे मैंने वैसे ही थोड़ा सा बैटर बना के एक चिल्ला बना लिया इसके साथ के लिए, क्योंकि अब इसके बाद मैं कुछ खाऊंगी नहीं, और अभी बज रहे हैं 7:05। हाँ जी, सो यही डिनर होने वाला है, और मैंने जस्ट अभी रियलाइज किया है कि ये क्या है, ये क्या तरीका है व्लॉग में आने का। बाल देखो अपने, मतलब मुझे कहीं पर लगता है मैं कुछ ज्यादा ही रियल हो जाती हूँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। सो हाँ जी, अभी इसको इग्नोर करना मेरे बालों को, और खाने का फटाफट से टेस्ट टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। ओके जी, टेस्ट करके देखते हैं, बहुत स्वाद है, बहुत ही अच्छा बना है, इलायची का बहुत ज्यादा स्ट्रांग फ्लेवर आ रहा है, अगर कम इलायची पसंद है तो सिर्फ 1 इलायची भी डाल सकते हो, क्योंकि थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग फ्लेवर आ रहा है इलायची का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सच, आई लव इट, आई सीरियसली लव इट, बहुत अच्छा, मतलब प्याज और लहसुन के बिना भी इतनी अच्छी लग रही है पनीर की सब्जी। ओके जी, सो अभी मैं डिनर करूंगी अपना मस्त, और आपसे मिलूंगी कल, क्योंकि रोज व्लॉग करने वाले हैं। सो ये व्लॉग कैसा लगा मुझे प्लीज कॉमेंट करके बता देना, और आपका day 1 ऑफ नवरात्रि कैसा गया, क्या क्या किया आपने प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताओ, आओ बातें करें बहनों या भाइयों या दोस्तों जो भी। सो या आई जस्ट एंड दिस व्लॉग अभी यहीं पे, क्योंकि अभी ये एडिट करूंगी फिर अपलोड करूंगी, तब आप लोग ये देखोगे आज के आज ही। सो यस, गोना मीट यू टुमारो, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।